तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये डिले क्यों हो रही है। तो इसी से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी व्यूवर्स के लिए। अपडेट जो है वो बेसिकली जी न्यूज़ का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो आपके नीट की काउंसलिंग है AIQ की, वो मे बी October 1st से शुरू हो सकती है MCC की ऑफिशियल साइट पर। अब यहाँ बताया गया कि आखिर डिले क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि इस समय NMC अलग अलग स्टेट्स में विजिट कर रही है, वहाँ पे जो सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं उनको इंक्रीज कर रही है। इसीलिए जब तक एक एक्चुअल डाटा नहीं हो काउंसलिंग का, मतलब सीट्स का होगा, तब तक काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसे डिले हो रहा था। और संभवतः 1st of October से आपकी जो नीट की AIQ की काउंसलिंग है MBBS BDS एडमिशन के लिए, वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो NMC विजिट करता है उसका विजिट लगभग कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी सारी सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं। अब सवाल ये आता है किस बार कट ऑफ को लेकर, भाई साहब तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि सीटें बढ़ी हैं तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये एक्चुअल डाटा कब क्लियर होगा, जब स्टेट्स की जो अलग अलग काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ की चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वहाँ कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, उस बेस पर AIQ कट ऑफ और कम जा सकती है। फिलहाल के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।